नमस्कार एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड को पीएम मोदी की सौगात, 15,728 करोड़ की 11 योजनाओं का किया शिलान्यास, जनसभा को संबोधित कर दी केंद्र और धामी सरकार की योजनाओं की जानकारी। सोलह दिसंबर को राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, देहरादून से करेंगे चुनावी प्रचार का शंखनाद, जनसभा को करेंगे संबोधित, पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों का करेंगे सम्मान। उत्तराखंड में नजूल नीति पर नैनीताल हाईकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, अब लाखों लोगों को मिलेगा भूमि पर मालिकाना हक, तो नीति के लिए अध्यादेश लाएगी धामी सरकार। बासपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गाड़ी पर हमला, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों पर लगाया आरोप, कोतवाली के बाहर दिया समर्थकों ने धरना। रुद्रपुर में सेल्फी के शौक ने ली दो युवकों की जान, चलती ट्रेन के पास सेल्फी लेने के चक्कर में दोनों की हुई दर्दनाक मौत, मामले की जांच जारी। चलिए अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में सत्तारूढ़ भाजपा को चुनावी वैतरणी पार करने के लिए मोदी मैजिक की दरकार है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए भाजपा ने देहरादून के परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा की और चुनाव से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने देहरादून से प्रदेश को 18,000 की करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने 15,626 की योजनाओं का शिलान्यास और 2,576 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तराखंड राज्य बनाने का विरोध किया था वो आज उत्तराखंडियत की बात कर रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगने वाले लोग देश विरोधी हैं। हमने 2025 में रजत जयंती तक उत्तराखंड को देश का विश्वस्त राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाले हैं, कुछ स्वार्थी तत्व तरह तरह की बातें करेंगे। हमारे प्रदेश में भी ऐसे दल व नेता हैं जो 4.5 साल के बाद सक्रिय होकर जनता को बरगराने का काम कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी के भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री धामी का खंदा थपथपाया। आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है, इसलिए इस क्षेत्र का विकास, यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी भावना से सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है।
इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को, मैंने केदारपुरी की पवित्र धरती से कहा था, आज मैं देहरादून से दोहरा रहा हूं, ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सुरक्षित आपके हाथों में संपूर्ण भारतवर्ष है। आपके आशीष से ही सवर्ता तरुण प्रदेश है। आपके आह्वान पर करोड़ जन चल पड़े, स्वयं पर विश्वास दृढ़ कर विकास रथ पर बढ़ चले। आपके अनुराग पर पर्वत जनों को नाज है, आगमन से आपके पुलकित पर्वत राज है। आज के इस अवसर पर मैं बाबा केदार, भगवान बद्री विशाल एवं समस्त देवी देवताओं से प्रार्थना करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, जिससे उनके नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को हमेशा प्राप्त करता रहे। यह हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा देश आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक परिश्रम एवं कुशल नेतृत्व से विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है। हम सभी इस सत्य के साक्षी हैं, आदरणीय मोदी जी किस प्रकार से एक तपस्वी की भांति नए भारत के निर्माण के इस महायज्ञ की धुनी को सफलतापूर्वक प्रज्वलित रखे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके इस महायज्ञ की सफलता के लिए जिस भी आयुति की आवश्यकता होगी, उत्तराखंड के लोग सदैव आपके साथ तत्पर रहेंगे। राज्य में पिछले 5 वर्षों में करीब 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत हुई है। इनमें से बहुत सी योजनाएं पूर्ण हो चुकी है और अन्य पर कार्य चल रहा है। उत्तराखंड के सतत विकास के प्रति यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के समर्पण का नतीजा है कि आज उनके द्वारा इसी मंच से 18,000 करोड़ से भी अधिक की विकास योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे भी शामिल है। इस एक्सप्रेस वे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी की जाएगी। कुछ वर्ष पूर्व ऐसा सोचना भी अकल्पनीय सा लगता था, चाहे आज सड़क मार्ग हो, उत्तराखंड के कोने कोने से जोड़ना हो, पहाड़ पर रेल पहुंचाने जैसा कठिन कार्य करना हो, या देवभूमि के शहरों को हेली सेवा से जोड़ना हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कनेक्टिविटी को विकास का मूल मानकर कार्य किया है। इसी का नतीजा है आज उत्तराखंड पर्यटन के मानचित्र पर और अधिक मजबूती के साथ अपनी सतत छवि को उकेर रहा है। भाइयों और बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रगति अर्थात प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन का जो मंत्र दिया था, हमारी सरकार आपके द्वारा दिए गए इस मंत्र पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
देहरादून में शनिवार को हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में हजारों की संख्या में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने करीब 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके आने वाले विधानसभा चुनाव का आगाज किया। इस अवसर पर बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नजर आया। मोदी की इस रैली से उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में क्या फर्क पड़ेगा, साथ ही इस रैली को लेकर महिलाओं के क्या विचार है, इसको लेकर हमारे संवाददाता शैलेश पांडे ने बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से की खास बातचीत। मोदी जी की रैली समाप्त हो चुकी है, हमारे पास साथ बीजेपी की महिला हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज मोदी जी का रैली हुआ है, इसे आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, आज माननीय मोदी जी ने जो अपना भाषण की शुरुआत करी वो करवा दी हमारी कुमाऊनी और हमारे उत्तराखंड भाषा से करी है, जिससे बहुत जनता प्रभावित हुई है उनके इस संबोधन को सुनकर। वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं उनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी है। तो मैं आप किस रूप में देखती हैं मोदी जी की जो रैली है? मोदी जी की रैली विधानसभा के रूप में देख रही हूँ कि 60 बार हमें आएगा, अब की बार विधानसभा में हमारी सीटें इतनी आएंगी। आज मोदी जी ने 18,000 करोड़ की योजना उसमें 100% पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड जब बनाया था जिस भावना से हमने विकास के लिए बनाया था, टुकड़ा काटने के लिए तो बनाया नहीं था। आज उन्होंने जिस तरीके से पूरा समझा के भी बताया कि जितना निवेश यहाँ हो रहा है, जितने कनेक्टिविटी के साधन यहाँ जुड़ रहे हैं, रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हेली मार्ग जो भी जुड़ रहा है, उन सब से उत्तराखंड पूरे विश्व के साथ जुड़ रहा है, पूरे भारत के साथ आगे बढ़कर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यही हम चाहते थे कि यहाँ के युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले, यहीं पर युवा रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पानी की परियोजनाएं जो हमारे पास है, खनिज और पानी हमारे पास है, उन परियोजनाओं का आज शिलान्यास हो रहा है, उसमें बिजली पैदा होगी ताकि हमारे पास संसाधन और बढ़ेंगे। तो मैं समझती हूँ जितना निवेश आज उन्होंने कहा है, 18,000 करोड़ का कहा है, ये उत्तराखंड के भविष्य को उज्जवल करेगा और यहाँ के बच्चों को समृद्ध बनाएगा, उत्तराखंड समृद्ध। आप रैली में आई, मोदी जी का भाषण सुना, क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या आपको लगा? यही उत्तराखंड की जनता को संदेश देना चाहूँगी, जो 60 साल में आज दिन तक कभी नहीं हुआ वो मोदी जी हमारे 7 साल में कर चुके हैं, तो इससे बढ़ के जनता के लिए और क्या हो सकता है। आपको लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में बिल्कुल 60 पार हो गया, अब की बार 60 पार बिल्कुल निश्चय हो गया है? भीड़ तो उतनी दिखी नहीं। कैसे नहीं दिखी आपको, कहीं एक भी जगह तो खाली दिखाई नहीं, भीड़ ही भीड़ थी हर जगह। तो हमारे साथ बीजेपी की महिलाएं, विंग्स के लोग थी, जिनका साफ कहना था कि मोदी जी के रैली से अच्छा संदेश हुआ हो, जिन्होंने 18,000 करोड़ की जो घोषणाएं की है उसका आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को काफी लाभ होगा। कैमरामैन नजात सिंह के साथ मैं शैलेंद्र पांडे, युगम टीवी, देहरादून। भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के जवाब में कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की रैली तरह कराने की तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि आगामी 16 दिसंबर को राहुल गांधी की रैली का आयोजन राजधानी देहरादून में किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी की ओर से बांग्लादेश निर्माण के युद्ध में भारत की पाकिस्तान पर ऐतिहासिक विजय की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राज्यभर में पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिजनों को प्रियदर्शनी सैन्य सम्मान देकर सम्मानित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देहरादून में आयोजित होने वाली रैली में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पूर्व सैनिकों व शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। बताया कि पार्टी की ओर से इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बासपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य की गाड़ी पर हमला देखने को मिला, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा के समर्थकों ने हमला किया और आर्य को काले झंडे भी दिखाए। साथ ही आर्य व पूर्व नैनीताल विधायक संजीव आर्य की गाड़ी पर लाठियां बरसाई, जिसके बाद यशपाल आर्य और संजीव आर्य के साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक कोतवाली धरने पर बैठे। बता दें कि बासपुर के रामभवन धर्मशाला में यशपाल आर्य के समर्थन में सैकड़ों लोगों को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करनी थी, जिसका पूर्व जिला पंचायत सदस्य कुलविंदर सिंह किंदा ने विरोध करने का ऐलान किया था। तो वहीं मामलों को लेकर बाजपुर में भारी संख्या में पुलिस प्रशासन तैनात कर दिया गया।
उत्तराखंड के रुद्रपुर में चलती ट्रेन के पास सेल्फी लेने के चक्कर में दो युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। दोनों युवकों की ट्रेन से कटकर मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की सूचना पाकर पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। दोनों ही मृतक अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले थे। घटना शांति विहार कॉलोनी के पास की है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। सूचना आई थी रेलवे ट्रैक पे दो लोगों का रेल की चपेट में आने से दुर्घटना हुई है, तो इसमें मौके पे पुलिस गई थी। तो वहाँ जो चश्मदीद थे उनसे जानकारी की गई तो पता चला कि ये दो लोग सेल्फी ले रहे थे, तभी अचानक ट्रेन आ गई और उसकी चपेट में ये लोग आ गए वहाँ पे। तो मौके पे इनका पंचायतनामा भर लिया गया था और पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर में बुजुर्ग दंपति के साथ दिनदहाड़ी लूट का मामला सामने आया। दरअसल पीड़ित पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, जहां लुटेरों ने मरीज बनकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे घर से एक नेकलेस और करीब 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए, तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में नजूल नीति को निरस्त करने के नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड सरकार की ओर से विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रुद्रपुर में नजूल भूमि पर बसे 22,000 परिवारों, हल्द्वानी के करीब 80% आबादी के साथ प्रदेश में नजूल पर बसे लाखों लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तो वहीं नजूल नीति पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब उत्तराखंड सरकार इसी महीने इसका अध्यादेश लाएगी। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इससे पहले 6 दिसंबर की कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। भाजपा के 100 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय देहरादून में सदस्यता ग्रहण की, जिसको लेकर चौपट्टा खाल के ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र कंडारी ने कोटद्वार पहुंचकर प्रेस वार्ता की और कहा कि भाजपा सरकार ने विकास, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने के जो वादे किए थे, भाजपा सरकार उन वादों पर खरी नहीं उतरी। हम लोग कल प्रदेश कार्यालय जो कांग्रेस कमेटी का देहरादून में बीरूखाल और चौबट्टाखाल विधानसभा के पंचायत प्रतिनिधि सब लोग थे वहाँ पे। लगभग हम 40 ग्राम पंचायत प्रधान, 15 क्षेत्र पंचायत सदस्य, एक जिला पंचायत सदस्य और स्वयं में ब्लॉक प्रमुख बीरूखाल, हमारे साथ ज्येष्ठ प्रमुख सियालदे से, भूतपूर्व प्रधानाचार्य थे हमारे साथ दो, और तमाम राजनीतिक संगठनों से लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने कल वहाँ पे कांग्रेस को ज्वाइन किया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे रोजगार, विकास और महंगाई के नाम पे, तीन चीज़, क्योंकि जनप्रतिनिधियों पे ग्रामीणों का और जनता का बहुत बड़ा लोड होता है और हम लोग एक हिसाब से सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करते हैं, वकील का काम करते हैं, जनता की जो समस्याएं होती हैं उसको सरकार तक रखने का काम करते हैं, विधायक तक रखने का काम करते हैं। लेकिन विकासखंड बीरूखाल, पोखड़ा, एकेश्वर और जो हिस्सा जहरीखाल और द्वारीखाल का चौबट्टाखाल विधानसभा के अंतर्गत आता है, उसमें कई वायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ पे जो वर्तमान विधायक हैं उनके द्वारा किए गए थे, उन पे खरा न उतरने के कारण जनता का प्रेशर लगातार हमारे पास रहता था, चाहे सड़कों से संबंधित हो, चाहे पेयजल से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, तमाम तरह से। आज ही ये बातें सामने आई कि गौरा कन्या धन योजना के अंतर्गत जो लाभार्थी हैं उनके लिए 3,000 रुपये का आय प्रमाण पत्र मांगा और कोई भी आदमी 3,000 रुपये का प्रमाण पत्र बनाने के लिए तैयार नहीं है, जबकि 4,000 रुपये का प्रमाण पत्र अभी भी हर एक योजना में चलता है। तो ये जो जनविरोधी सरकार है और जो जनता के गला घोड़ने का जो काम कर रही है, इससे खिन आकर तमाम जनप्रतिनिधि ने काशीपुर की ग्राम पंचायत गढ़ी नेगी को नगर पंचायत बनाए जाने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। क्षेत्र के लोगों ने मुख्यमंत्री से इस घोषणा को अमलीजामा नहीं पहनाए जाने का आग्रह किया। लोगों का कहना है कि नगर पंचायत बनने से कई तरीके के नुकसान होंगे। मनरेगा के तहत मजदूरी करने वाले लोगों ने बताया कि ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने से उनकी रोजी रोटी प्रभावित होगी, साथ ही टैक्स का भार भी बढ़ेगा। साथ ही व्यापारी वर्ग भी मुख्यमंत्री की घोषणा से कतई खुश नहीं है।
चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।